ये इंसान सेल्फ मेड है, अपनी मेहनत से आज इस मकाम पे पहुंचे हैं ये, तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इन्होंने एक छोटे से शहर से आके बॉम्बे जैसे शहर में मेहनत करके आज ये मकाम हासिल किया है कि फिल्म टुडे एक बहुत ही अच्छी मैगजीन्स में उसका शुमार होता है, और इसका मतलब रिजल्ट ये है कि आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं, हम सब यहाँ खड़े हैं इनके लिए। तो मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं राजेश भाई आपको, ईश्वर आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे और पूरे वर्ल्ड में फिल्म टुडे फैल जाए, यही मेरी शुभकामनाएं। फैजल भाई भी फिल्म टुडे से जुड़े हैं और बड़ी खुशी की बात है, और दोस्तों बहुत जल्द समझिए शायद एक आध महीने के अंदर ही, ये बोलना मतलब मैं नहीं चाहता लेकिन बोल देता हूँ, रोक नहीं पा रहा हूँ, एक बहुत बड़ा फिल्म का प्रोजेक्ट हम फैजल भाई के साथ शुरू कर रहे हैं, गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून, एंड अभी वो सब सस्पेंस है, वो जब आपको सबको बुलाया जाएगा और आप सबकी हाजिरी में, आप सबके मौजूदगी में ही उसका अनाउंसमेंट और हर चीज होगी। बट ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं फैजल खान साहब के साथ कुछ प्रोजेक्ट प्लान कर रहा हूँ और जो बहुत जल्द शुरू होने वाला है। लीजिए राजेश भाई। Can we please request you for a few words, please, before we give it to Rajesh? Thank you, everyone. Good evening. Rajesh, ji, congratulations a lot. और इंडिया टुडे मैं कॉन्ग्रेट करता हूँ कि सिंगापुर में भी शुरू हो रहा है इंडिया टुडे, एंड आप बुलंदियों पर पहुँचे, आगे बढ़े, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा गले की तकलीफ के कारण ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, दिवाली है, सबका प्रॉब्लम है। इतना प्यार है हमारे में। तो मैं सबसे पहले रामशेखर भैया को चरण स्पर्श करता हूँ, और यहाँ पे आए मेरा बड़ा भाग्य है, फैजल भाई आए, आप सभी आए, सबसे बड़ी बात है, और हमारे यहाँ पे सबसे बड़े प्रिय मित्र हमारे बैठे हैं, बिल्कुल हमारे स्ट्रगल के समय के साथी जैसे हमारे गुरु जी बैठे हैं, ये 20 साल पुराने वाले मित्र हैं, हमारे हरीश भाई बैठे हैं, प्रीतम भाई बैठे हैं, संजय भाई हैं, प्रदीप जैन जी हैं, दिनकर साहब आए, मेरे तिवारी जी आए 20 साल बाद आए हमारे से मिलने के लिए। तो बड़ा सौभाग्य है मेरा कि आज सब लोग हमारे लिए आए, और बस मैं संघर्ष करता रहा हूँ और सबका आशीर्वाद रहा मेरे साथ में। और एक बात कहना चाहूँगा मैं कि मैं छोटा था तो मेरे पिताजी बोला करते थे कि बेटा तुम अपने पैर जमीन पर रखना और दिमाग आसमान, तो बोलते थे कि बेटा अगर तुम दिमाग आसमान पर रखोगे तो बड़ा सोचोगे और पैर जमीन पर रखोगे तो कभी गिरोगे, तो हमेशा उनकी बात मान के चलता रहा हूँ। और जो मुंबई आए राम भैया, जिससे लोगों का साथ मिला, आशीर्वाद मिला, मेरे स्ट्रगल से, मेरी शादी से, ब्याह तक सबका भैया का साथ रहा है, तो बस ज्यादा मैं मिलना चाहूँगा आप आए, और थैंक यू राजेश जी, आपको बहुत ऑनर टू हैव यू हियर, यू लुकिंग एब्सोल्युटली डैशिंग, प्रति आई है ऑल द वे फ्रॉम सिंगापुर, क्योंकि मैं राज पास कर रही हूँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, फिल्म्स टुडे नवंबर इश्यू के कवर पेज पे है क्रति अग्रवाल। अच्छा मैं यहाँ, अब मैं तो काम कर रही थी, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन हर एक के साथ उनके फोटोग्राफ्स मैंने देखा, देखो कितना मुस्कुरा रहे हैं, किंग से मिले वो, क्या बात है, बहुत बढ़िया रहा दुबई ट्रिप, 3 days लॉन्ग ट्रिप एट महाबिस 2018। थैंक यू सिमरन, it's an honor to be back to my hometown, I'm a resident of Singapore, but then every time it feels like so homely, and you know when you are back to your own country and then you are being honored there. I'm Miss Tourism Singapore and Miss Tourism World Ambassador, so like I am so honored and happy to be on the cover page of Films Today. I'm an international brand ambassador of Films Today, so we together did launch in Malaysia, Singapore, and now we are gonna do in many more countries. So this is how we will take Films Today to a new, different international level, month by month, with all your blessings, of course.